भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गमन सर ने आज के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहित बेनीवाल जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान अनिल सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी, व्यवसायिक और कौशल विकास के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, हेलो, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी जी, वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी, मेहनत कोई बात नहीं जी, सभी माननीय विधायकगण श्रीमती बिमला सोलंकी जी, देवेंद्र सिंह मोदी जी, संजय शर्मा जी, डॉक्टर अनिता लोधी जी, हेलो, श्री विजेंद्र सिंह जी, प्रमोद कुशवाहा जी, देवेंद्र सिंह जी, देवपाल नागर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय किरण पाल सिंह जी, हेलो, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती उषा सिरोही जी और भारी संख्या में उपस्थित बुलंदसर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की स्मृतियों को ताजा करने और बुलंदसर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो उनका सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा सिरोही जी को पुनः यहां पर समर्थन देने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता रहे एक योग्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने लोक कल्याण का एक बृहद अभियान प्रारंभ किया था, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे लिए दुखद क्षण है कि हमने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता को खोया है। स्वाभाविक रूप से इस बुलंदसर के विकास के लिए उनके अनेक सपने थे और उन्हें साकार एक एक करके वे करते जा रहे थे। मुझे याद है जब भी मेडिकल पर जहां पर किसी समस्या या कोई भी विकास से जुड़ी हुई योजना की बात आती थी, सिरोही जी के साथ यहाँ के मान्य सांसद, सभी मान्य विधायकगण एकजुट होकर के बुलंदसर की एकता का प्रतिनिधित्व करते हुए आते थे और कहते थे बुलंदसर को ये चीज चाहिए, और सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर के चलती थी और विकास की योजनाएं बुलंदसर जनपद के लिए स्वीकृत होते हुए दिखाई देती थी। भाइयों बहनों, यहां के विकास की योजनाओं पर तो मैं चर्चा करूंगा ही, लेकिन मैं आपको ले चलता हूं 2017 में। याद करिए 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ मैंने इसी बुलंदसर से किया था और बुलंदसर में आकर के तब मैंने आपसे कुछ कहा था। मैंने आपसे कहा था कि वीरेंद्र सिंह सिरोही जी को विधायक बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपिए,
और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई केराना और कांधला की घटना करने का विश्वास सचिन और फिर से आपको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती है। समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन बेटी और हर नौजवान यहाँ का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहाँ भेजना है ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनके अकूत संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आप इसका प्रमाण है। पहले गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, ये एक उदाहरण है। और इसीलिए आपने ताकत दी थी, उस ताकत का इस्तेमाल जनहित में, प्रदेश हित में, यहाँ के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मैं बुलंदशहर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके चल रहे अभियान का समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री श्री किरण पाल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए लगातार कार्य किया और जब उनको लगा कि वास्तव में देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का हित है, तो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती उषा सिरोही जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के कारण थे कि चौधरी साहब ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने सचमुच क्या किसानों के हित में काम किया? अगर काम किया होता तो रमाला चीनी मिल 30 वर्षों तक अपने विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की बात नहीं जोतती। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि थी, उस चीनी मिल के विस्तारीकरण की योजना को स्वीकृति दी, धनराशि दिया और आज अपने पूरे विस्तार के साथ रमाला चीनी मिल कार्य करके यहां के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चौधरी साहब ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार किसी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने का कार्य कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई अन्य दल नहीं कर सकता। लोगों ने राजनीति बहुत की, लोग बहुत बोलते रहे। यहां के लोग सीधे हैं, सज्जन हैं और दो टुक बात करने के आदि हैं और उनकी सज्जनता का प्रमाण है अलीगढ़ में, अलीगढ़ में मुस्लिम
मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं था। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए न तो वहां पर नौजवानों को नौकरी में और न ही वहां पर प्रवेश में ही कोई आरक्षण की सुविधा उनको दी गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के चंगुल में धकेलने के लिए, किराना और कांदरा से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं, तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए गले में तख्ती लटकाते हुए घूमता है कि जान बटस लो, अब हम बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया जाता था, कहा जाता था कि इससे दंगे होंगे। हमने कहा भी जब सरकार आएगी, हमने कहा कोई दंगा नहीं होगा, दंगा जो करेगा उसको हम ठीक कर देंगे, कावड़ यात्रा भी निकलेगी। और साथ साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे, पता नहीं किस कावड़ यात्रा के रूप में भगवान शिव स्वयं आए हो, पता नहीं किस रूप में आए हो। और मैं फिर आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर राजनीति की धूरी को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने देखा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ये तमाम प्रकार के वादों में बांट करके देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। कहां जाएगा इस देश का नागरिक अगर देश कमजोर हो जाएगा? कल आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सुनाम धन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई का देश की किसी है क्या तो देश में दंगों की एक श्रृंखला खड़ी करना चाहती है? देश के अंदर हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार जिस जो संगठन लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, कांग्रेस की सहानुभूति उन लोगों की प्रति है, सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। और ये लोग जानबूझ करके इस देश के मूल समाज को कमजोर करना चाहते हैं, कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब आपको एक नारा दिया था, एक मंत्र के रूप में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के पीछे का ध्येय भी था। उन्होंने कहा था हमारी सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। आपने मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यक्रम को देखा होगा, हर गरीब को मकान मिलेंगे, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, हर किसान नौजवान के लिए
तमाम प्रकार की योजनाओं को, चाहे वह स्किल मिशन के अंतर्गत हो, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हो, या तमाम प्रकार के अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन साथ साथ हर गरीब को प्रदेश के देश के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में श्रीमती उषा सिरोही जी को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव जिता करके भेजिए और विकास और सुरक्षा की गारंटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस यही अपील करते हुए मैं पानी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।